मिला। आई थिंक मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि मेरे भाई बहन हैं। हेलो, मैं श्रुति की मम्मी और जो आपकी बुलबुल है मैं उसकी मम्मी हूँ। उसका असली नाम तो श्रुति है। तो आज रक्षाबंधन है और आज भी वो शूट कर रही है, तो मैं सोच रही हूँ कैसे उसके दिन को थोड़ा मैं स्पेशल बनाऊँ, थोड़ा उसको मतलब फेस्टिवल का फील कराऊँ। इसलिए मैं उसके लिए थोड़े मतलब सरप्राइजेस लेके आई हूँ। छोटे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, छोटे मोटे गिफ्ट्स लेके आई हूँ ताकि उसको रक्षाबंधन की कमी महसूस ना हो। उसका भाई एक है, वो भी इधर नहीं है, वो अमेरिका में है, और मैंने उसको अभी फ़ोन भी किया तो वो सोया है, बिकॉज आपको मालूम है जब यहाँ दिन होती है तो वहाँ रात होता है, तो वो शायद सोया है इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। और बहन है वो भी इधर नहीं है, वो अंधेरी में है और मैं नायगांव में हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको अकेला फील नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं रक्षाबंधन का सरप्राइज़ देने के लिए उसको जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वो उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो ये गिफ्ट्स है, दीज आर द गिफ्ट्स। मुझे पहले दिख गया था सॉरी मैं फेक रिएक्शन दिख गया था पहले के लेके आ रही है। कोई बात नहीं। वैसे तो मैं राखी पे मेरे भाई को भी राखी बांधती हूँ, बट मैं मेरी एक बड़ी बहन भी है उनको भी राखी बांधती हूँ। तो वैसे तो रक्षाबंधन पे मैं मेरे भाई को राखी बांधती हूँ, बट ऑल्सो मैं मेरी बहन को भी बांधती हूँ, बिकॉज वो मेरे भाई जैसी हैं। जब मुझे कोई भी परेशान करता है तो वही लड़ने सबसे पहले जाती है। देन उसके बाद अभी तो आई थिंक शी इज़ द वन जो शायद मम्मा से भी पहले है मेरे लिए, बिकॉज वो अंधेरी में रहती हैं अकेले और तब मम्मा मेरे साथ शूट पे आ पाती हैं। एंड शी नेवर सेज दिस कि मम्मा मेरे साथ ही क्यों है, उनके साथ क्यों नहीं है। तो आई थिंक हैविंग सच अ सिस्टर इज़ अ ब्लेसिंग। सो या आई थिंक रक्षाबंधन इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रदर्स, इट्स अबाउट कि कौन आपकी प्रोटेक्शन करता है और कौन आपको कितना प्यार करता है। तो आई थिंक मेरे भाई के साथ साथ मेरी बहन भी सेम है मेरे लिए। और आज आपकी मम्मी ने इतना स्पेशल केक आपके लिए जेस्चर किया है, उसके बारे में क्या कहना है कि सेट पर थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए सरप्राइज आपको चॉकलेट तो प्यारी सी राखी है। सो ये रही राखी, चॉकलेट्स तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मेरे सामने आपने ला के रख दिया है, बट मैंने असली में पहले ही खरीद लिया था, लेकिन अभी दो तीन दिन से थोड़ा डाइटिंग कर रही है, बट रक्षाबंधन के दिन तो खा सकती है। अच्छा नहीं, आप खा सकती है, मैं खाऊंगी नहीं, पर मतलब खाऊंगी थोड़ा। इसलिए सब चीज मैं थोड़ा थोड़ा लाई हूँ, ज्यादा नहीं लाई, थोड़ी सी मिठाई है, थोड़ा सा ये और ये सेलिब्रेशन। तो रक्षाबंधन की मेमोरीज जाना चाहेंगे किस तरह से यू टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन, क्योंकि अभी तो सेट पर हो, काम कर रहे हो, इससे पहले की जो आपकी मेमोरीज। रक्षाबंधन हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बिकॉज मेरे पापा इकलौते भाई हैं मतलब मेरे घर में, तो मेरी जो बुआ होती है वो उनके घर पे हम जाते हैं, और हम तीन सिबलिंग्स हैं, मेरी एक बड़ी बहन है, एक मेरा बड़ा भाई भी है। तो जो मेरा बड़ा भाई है वो इंडिया में नहीं रहता, वो डालस में रहता है, तो बहुत रेयरली ऐसा हो पाता है कि आमने सामने मैं उसको राखी बांध पाती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं US राखी भेजती हूँ उसको और वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देता है। लेकिन हाँ वो है, उसके बावजूद मैं अपनी बड़ी बहन को भी राखी बांधती हूँ जैसे मैंने कहा, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्शन, हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू। कोई भी ऐसे आपका भाई नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रक्षाबंधन पे भाई को ही बांधे, वो है कि कौन आपको प्रोटेक्ट करता है आप उसको बांध सकते हैं। तो मैं मेरी बहन को भी बांधती हूँ, भाई को भी बांधती हूँ, और हर साल का रक्षाबंधन मेरा काफ़ी अच्छा जाता है। सो या लेट्स सी हाँ, ऐसा कोई स्पेशल गिफ्ट जो आपको अभी तक रक्षाबंधन मिला हो? और रक्षाबंधन में मुझे गिफ्ट मिला, आई थिंक मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि मेरे भाई बहन हैं मेरे साथ हैं, जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। एंड मतलब मैं ये बात ज़्यादा नहीं कहती, कभी मैंने बोला नहीं है, बट डेफिनेटली सिबलिंग्स होना और ऐसे सिबलिंग्स होना जो चीज़ों को समझ के लेते हैं, कभी किसी चीज़ को लेके जज नहीं करते, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग। बिकॉज जो मेरी बड़ी बहन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरी मम्मा मेरे साथ रहती है नायगांव में, शी स्टेज इन अंधेरी, एंड मैं ऐसी किडो हूँ कि मुझे मम्मा चाहिए, मतलब मम्मा चाहिए एज इन अगर मेरी मम्मा उसके साथ कहीं जा रही है तो मैं बोलूँगी मैं भी साथ चलूँगी ऐसे। बट
दैट गर्ल, वो मुझसे ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 3 साल ही बड़ी है, फिर भी वो मम्मा के बिना रहती है और कभी वो ऐसे नहीं कहती कि मम्मा तो मेरे साथ नहीं है, ये क्या है, हम दोनों की मम्मा है. वो हमेशा हर चीज़ को अच्छे से टैकल करती हैं. तो आई थिंक हैविंग सच सिबलिंग्स इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ब्लेसिंग, एंड आई थिंक वही मेरे लिए गिफ्ट है. और ऐसे तो वो लोग बहुत सारे गिफ्ट देते रहते हैं, जैसे मेरा भाई मुझे 20,000 देता है, 30,000 देता है, और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो पहला ऐसा गिफ्ट होता है जो मेरे पास आता है, बिकॉज वट एवर आई एम अर्निंग टचवुड, वो मुझे कुछ पता नहीं है कि वॉट एम आई एग्जैक्टली अर्निंग, वो सब इनके पास ही जाते हैं और फिर ये क्या करती है आई डोंट नो. बट वो जो होता है रक्षाबंधन का 20,000-30,000, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्क्रीन पे भी झूठ नहीं बोलूंगी, वो जो 20-30,000 होता है वो सीधा मेरे हाथ में आता है और वो मम्मा तक भी नहीं जाता. मतलब वो मैं करती रहती कि रक्षाबंधन आएगा और वो मेरे शिवम भैया मुझे भेजेंगे, हमेशा सबको बताएगी वो पता है मुझे ना 20,000 देते हैं बहुत, और सब ऐसे एंड एवरीबडी जो भी मेरी बातों को सुनते वो शॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक यू योरसेल्फ इज अर्निंग, तो क्यों, लेकिन वो क्या होती है अर्निंग जाती है, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है. गिफ्ट काफी मायने रखता है एक्चुअली, वो 20,000 है इसलिए नहीं, शायद वो 20 रुपए भी भेजेगा तो इसके लिए वो काफी मायने रखता है क्योंकि उसमें इमोशन. और ऊपर से मेरी बहन भी मुझे काफी सारे गिफ्ट देती है उसके साथ साथ, बिकॉज मैं सबसे छोटी हूँ ना घर में, तो मुझे मेरे भाई बहन दोनों ही गिफ्ट देते हैं, तो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर. मेरी बहन जो है वो परफ्यूम कभी गिफ्ट करती है, कभी कुछ गिफ्ट, बट मेजरली आई वुड से कि गिफ्ट से ज़्यादा वो मेरी मम्मा है. अभी हाँ मैं बताती हूँ, वो तो आई थिंक वो मेरी मम्मा से ज़्यादा है, मतलब आई थिंक मैं एक बार मम्मा के बिना रह सकती हूँ बट आई कांट स्टे विदाउट हर, मैं फिर भी कैसे कैसे नायगांव में रह रही हूँ. तो अभी भी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे राइट आई पे एक चैलेजियन हो गया था, आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस इट करेक्टली, हाँ तो वो हो गया था, तो ऐसे लंप बन गया था मुझे यहाँ पे, तो मेरे आँखों का ऑपरेशन हुआ अभी रिसेंटली, तो वो 2 डेज का था, उसमें 2 डेज रेस्ट करना था. तो वो मेरी जो सिस है उन वो मेरे पास बैठी हुई थी, मतलब उनको जब मेरी बुआ या कोई आ रहा था तब वो नहाने भी जा रही थी, मतलब द होल डे शी वॉज सिटिंग विथ मी. इवन मेरी मम्मा भी स्ट्रेस फ्री हो गई थी, शी वॉज इन द रूम एंड एवरीबडी वॉज अपने उसमें, बट शी वॉज द वन हु वॉज सिटिंग विथ मी, मेकिंग मी स्लीप, रो मत सब अच्छा हो जाएगा, मुझे खिला रही है, कर रही है, किसी दे रही है. उसके बाद मेरी बहन की ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो अपना कपड़ा मुझसे कभी शेयर नहीं करती, शी नेवर गिव्स हर क्लोथ्स टू मी जब तक न्यू हो पुराना हो. लेकिन उस टाइम पे मैंने पूछा भी नहीं, एंड शी वेंट लाइक कि तू मेरे कपड़े पहन के चले जाते, जो बहुत मन करता है ना. तो दैट्स हाउ आई थिंक द बॉन्ड इज. और रक्षाबंधन का दिन तो इसलिए मेरे लिए काफी स्पेशल है, बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दीज टू पीपल इन माई लाइफ. इसके साथ ही आपके बॉन्ड को आपके भाई के साथ कैसा है वो भी जानना चाहेंगे कि हाउ इज द रिलेशनशिप लाइक कि फन है. वही भाई का वही है, लड़ाई भी होती है और बहुत ज्यादा प्यार भी है. जब कुछ होता है तो फिर पूछते हैं शिवम भैया, अभी उसके साथ भी थोड़ा अमेरिका में कुछ हुआ एंड शी मतलब इसने कॉल किया, पूछा आपको क्या हो गया, और ऐसे काफी लड़ती भी है, जब सामने आ जाता है ना तो फिर लड़ती भी है उससे, हमारी मतलब लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती है. पर बिकॉज कैसा होता है कि उसके साथ इतना कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, बिकॉज वो है नहीं यहाँ पे, वो वहाँ US में रहता है, और इस वजह से उतना बातचीत उतनी नहीं हो पाती है, बिकॉज मैं भी शूट ही करती रहती हूँ पूरे दिन, ही इज़ ऑल्सो बिजी विथ हिज ओन वर्क, तो वो एक डिस्टेंस है. तो इसीलिए ज़्यादा बॉन्ड मेरा मेरी बहन के साथ है, और लेकिन और उनके साथ मेरी मारामारी ज़्यादा है, बट आई थिंक मारामारी के बाद जब भी ज़रूरत होती है तो वी बोथ आर देयर फॉर ईच अदर. मैं यही कहना चाहूँगी कि रक्षाबंधन जो है वो काफ़ी स्पेशल दिन होता है, उसे अच्छे से प्यार से मनाइए. और जो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास भाई नहीं है अगर, तो अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बहन को राखी बांध दीजिए, और अगर बहन भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कृष्णा जी को राखी बांध दीजिए, जो आपको प्रोटेक्ट करता है उसको राखी बांध दीजिए, एंड ऑल द लव टू यू ऑल ऑन रक्षाबंधन. और ये अभी मेरे हाथ से आप चॉकलेट खा लो. हैप्पी रक्षाबंधन. थैंक यू. नहीं मुझे मत खिलाओ, खा लो क्यों, मेरा अकेले का वजन नहीं बढ़ना चाहिए. अरे आप खाओ. मेरा हो गया, मैं थोड़ा अभी मीठा थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, तो इसलिए थैंक यू सो मच. मैं थोड़ा रक्षाबंधन का मैसेज, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिनके भाई बहन है वो अपने आप को खुश नसीब समझो, अच्छे से सबको राखी बांधो जो भी है,
और उनकी कीमत समझो हाँ भाई बहन की. हाँ ओके चलो. हाय दिस इज श्रुति चौधरी एंड दिस इज माय मॉम चीकू चौधरी एंड यू आर वाचिंग अस ऑन टेली रिपोर्टर. थैंक यू सो मच.